कदम से और ये बाहर। इस प्रकार बड़े मैच में ये जो मिडफील्डर के खिलाड़ी थे कतई उम्मीद नहीं करा जा। हेलो, पहला किक जर्सी नंबर 9 रमेश समाद। अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद होगी यहां। जीत की शुरुआत कोशिश की पहली कदम से और ये बाहर कदम से। मिडफील्डर के खिलाड़ी थे कतई उम्मीद नहीं करा जा सकता और रमेश का यहां खराब शॉट और मिल गई एडवांटेज। सो डिसिप्लिन यहां एक लीडिंग के साथ जरूर जाना चाहेंगे। भरोसा जताए थे अभिमन्यु महतो टीम के जो बतौर कप्तान रमेश पर, अपने उस भरोसे पर की बढ़त भी यहां। क्या सुंदर किक, बिल्कुल घड़ी डिटर्जेंट जैसे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। गजब की किक। अब कोई भी बहाना या कोई भी खराब किक नहीं चलेगी। निरंतर रूप से अजीत इस मैच में आगे बने रहना है। तो राजू बनाना चाहेगी सोए दिसम फंड को। मैच में क्या टर्निंग पॉइंट आएगा? अगर यहां समीर ऑल इन वन का किरदार अदा करते वो सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं मैच में एक टर्निंग पॉइंट और एक नया ट्विस्ट आ जाएगी कहानी में, एक नया ट्विस्ट। और खिलाड़ी के साथ साथ उस ट्विस्ट को लाने के लिए बड़ी तब्दीली यहां पर देखने को मिली है। बॉबी हेम्ब्रम को ड्रॉप किया गया है और उसके स्थान पर सुपर समीर जो बतौर गोलकीपर की अभिनय को अदा करेंगे इस वक्त। सुनील नागिल की शॉट सामने, ये खड़ा बंदा उस दिशा पर आ जिज्ञासा पलित पोषित हो रही है। अजीत क्या सोए दिसम इस टूर्नामेंट को जीतने में एक कदम की दूरी पर, और यहां अभिमन्यु महतो एक सम्मानजनक स्कोर जरूर रखना पसंद करेंगे ओपोनेंट्स के पास। अंतिम किक लेने के लिए बातें करेंगे, अगर ये गेंद नेट जाल या गोल जाल पर प्रवेश करा पाते हैं तब, वरना यहां से टीम बाहर। और अब
कर दिए हैं और ये किक लेंगे सोए दिसुम हन को। धड़कने तेज हो चुकी है राजन और लेंगे ये किक। कमजोर दिल वाले अगर लोग हैं तो इस शॉट को ना ही देखें तो बेहतर, क्योंकि महज एक कदम की दूरी पर खड़ी है सोए दिसुम हन को। क्या यहाँ विनिंग शॉट आने की उम्मीद करा जा सकता है? युवा खिलाड़ी जर्सी नंबर 18 को यहाँ भेजा गया है इस विनिंग शॉट लगाने के लिए। और ये किक निर्णायक किक है, अंतिम किक, 10,000 की ये किक होगी। क्या करेंगे टीम।